तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे भी कोई भी कॉमिक क्रिएट कर सकते हो, वो भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है, कॉमिक क्रिएटर एप्लीकेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो, यही वो एप्लीकेशन रहेगी, कॉमिक क्रिएटर की एप्लीकेशन। इस पर आप जब क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके पास इतने सारे इंटरफेस खुल जाएंगे। तो अभी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी प्रोफाइल देखनी है तो आप व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो अभी देखो, अभी मेरे 1 फॉलोवर्स हैं, ठीक। और इससे आप कॉमिक क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको इसका जल्दी से बता देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। इस जो आपकी ये जो एप्लीकेशन है, इसको आप पब्लिश भी कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, क्रिएट कॉमिक पे अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो इस क्रिएट कॉमिक पे क्लिक करेंगे। और अगर हमें वर्क ऑफलाइन करना है, यानी ऑफलाइन ही वर्क करना है, बिना अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप वर्क ऑफलाइन कर सकते हो। इस पे क्लिक करने के बाद मैंने 2 बनाई हैं, तो जल्दी से उन्हें देख लेते हैं। द बैटल मैंने बनाई है, मेरी पहली कॉमिक है। तो आप देखिए क्या कह रहा है, आई चैलेंज यू। देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, इससे स्लाइड आगे पीछे होती है, ठीक। अब उसके बाद देखो, अब ये कह रहा है चैलेंज एक्सेप्टेड। फिर ये देखो दोनों लड़ रहे हैं। तो गाइस ये देख रहे हो, अब कह रहा है ओ नो हिज पावर इज एक्टिवेटेड। अब इसके बाद क्या होता है देखो, इसके बाद इसे मार देता है और ये बोलता है आई लॉस, ये बोलता है आई विन। तो गाइस ऐसे ही आप बना सकते हो, आप स्टोरी टाइप की भी बना सकते हो। आप जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे बनाना है। तो आपको न्यू पे क्लिक करना है, आपको न्यू पे क्लिक करना है। मैं दिखा देता हूँ, ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो ये वाला, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको ये प्लस वाला आइकन दबाना होगा। प्लस वाला आइकन दबाने के बाद आपको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ऐड बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। ऐड बैकग्राउंड पर जब आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इतने सारे बैकग्राउंड्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक। गाइस देखिए मैं अभी ये फॉन्ट ले रहा हूँ। अभी क्या मैं आप अगर इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे या कोई भी आपको जो अच्छा लगता है उस पर क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। देखिए बैकग्राउंड आपका आ गया। अगर अब रही बात इस पर कैसे कैरेक्टर कैसे ऐड करें, कैसे बनाएं, तो देखिए इस पर प्लस पे फिर आप क्लिक करिए। अब यहाँ देखिए ऐड पीपल का ऑप्शन आ रहा होगा। ऐड पीपल का ऑप्शन पर जब आप क्लिक कर देंगे तो देखिए आपके सामने कितने सारे आ गए पर्सन आ गए। इसमें सुपर हीरोज़ का भी है और काफ़ी है, इसमें आम पब्लिक का भी है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें विलन्स का सबका है, एंग्री बर्ड का भी 2-3 दिए हैं सब। तो अभी मैं आम पीपल वाला लिया हूँ। जैसे देखिए इस पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मतलब आपको क्या करना है ना, ये जो आप जाओगे तो यहाँ जिस पे एक फाइल में कई सारे कैरेक्टर हैं, तो आप मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कैरेक्टर को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और मैं इस कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे आ गया, उस पर कैरेक्टर पे सिंपली टैप कर दोगे तो वो ऐसे आ जाएगा। मैं इसे यहाँ स्टैंड करा दिया, ठीक। अब मैं एक और कैरेक्टर इस डालूँगा तो ऐड पीपल पे मैंने फिर से क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे करूँगा, मैं यहाँ पे कोई भी डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे विलन वाला कोई डाल देता हूँ। तो अब रही बात, आपको अगर चाहते हैं कि ये जो आपका कैरेक्टर है, ये जो आपका कोई भी कैरेक्टर, ये कैसे घूमे ना, तो घूमने के लिए आपको क्या करना है, उस कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे ये सेलेक्ट रहना चाहिए कैरेक्टर, कोई भी आपका सेलेक्ट रहना चाहिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो इस पर क्लिक कर दो, ठीक। इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको क्या करना है, फ्लिप अगर आपको उसको मोड़ना है तो देखिए मैं अभी फ्लिप पर क्लिक किया, देखिए कैरेक्टर हमारा मुड़ गया। और गाइस आपको अगला बता देता हूँ, कैरेक्टर को रोटेट कैसे करें, मतलब गिरा हुआ दिखाना है या कुछ और दिखाना है। फिर आप इसी पे क्लिक करिए, इस पे क्लिक करने के बाद आपको रोटेट पे क्लिक कर देना है। रोटेट पे जब आप क्लिक कर दोगे तो उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको आ रहा है सब ना, इसी से आप रोटेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ रोटेट कर दिया, ठीक। और अगर आपको टेक्स्ट की कॉमिक बनानी है तो आपको क्या करना होगा कि आपको ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो, अब ये इस पर आप क्लिक कर दो, इस पर क्लिक कर दोगे फिर उसके बाद आपके सामने स्पीच आ जाएगी। स्पीच पे मैंने लिख दिया हाय कर दिया। फिर उसके बाद देखो मैं यहाँ पे ला दिया हाय हो गया। अब उसके बाद
अब क्या करना है आपको, अगर एक और यही सेम स्लाइड चाहिए या फिर आपको दूसरा बैकग्राउंड चाहिए तो मैंने बता दिया है। अगर आपको ये सेम स्लाइड चाहिए तो ये न्यू पे क्लिक करिए। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये डुप्लीकेट फ्रेम पे आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस देखिए आपके सामने वैसा ही हूबहू एकदम वैसा ही एकदम स्लाइड आ गया। आप इससे स्लाइड चेंज या आगे कर सकते हो। तो गाइस देखिए मैं अभी पहले वाले स्लाइड पे क्लिक किया, पहले हो गया, फिर मैं अब इस पर क्लिक करूँगा तो गाइस इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए चेंज हो गया स्लाइड मेरा। और ऐसे आप कई सारे न्यू फ्रेम भी ऐड कर सकते हो। न्यू फ्रेम जब आप ऐड करोगे न्यू फ्रेम तो आपको बैकग्राउंड आपको अलग सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको इसी चाहते हो इसी बैकग्राउंड में हो तो आपको क्या करना है, डुप्लीकेट फ्रेम पर क्लिक कर देना है। अब गाइस अब देखिए अगर आपको दिखाना है कि नहीं ये एक्शन सीन कर रहा है कोई, तो ये जो होते हैं ये जो सुपर पावर्स वाले कैरेक्टर होते हैं एक्शन सीन उन्हीं में लागू होता है। तो गाइस देखिए मैं बता देता हूँ एक्शन सीन कैसे करना है। पहले आपको कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है, ठीक। फिर जो आप पेन वाला ऑप्शन देख रहे हो ना, पेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखो एक्शन वाला सीन आ गया सर। देखो ये उड़ के भी मार रहा है, ऐसे सीन है। तो अब जैसे मैंने ले लिया, मैं ले रहा हूँ ये वाला सीन ले लिया मैंने। अब देखो अब क्या करना है, अगर आपको मूवेबल दिखाना है, ठीक, अगर आपको मूवेबल दिखाना है तो पहले तो ऐसे, अब ये ऐसे हो गया है तो आपको फिर डुप्लीकेट फ्रेम पे क्लिक करना है, फिर ऐसे थोड़ा आगे कर देना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको डुप्लीकेट फ्रेम का ऑप्शन आएगा, बैक फॉरवर्ड ये ऐड आ जाते हैं सब। तो डुप्लीकेट फ्रेम पे फिर आप क्लिक करेंगे, फिर थोड़ा सा उसको आगे कर दो, ठीक। फिर डुप्लीकेट फ्रेम पे क्लिक कर दो, फिर उसको थोड़ा से आगे कर दो। अब उसके बाद क्या होगा कि जो कैरेक्टर आपका है ये सो जाएगा। तो इसमें क्या है, देखिए अगर आपको इस कैरेक्टर को सुलाना है यानी कि आपको दिखाना है कि ये जो हमारा कैरेक्टर इसको गिरा देना है, ठीक, तो इस पर क्लिक कर दोगे आप। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि फिर इसके बाद यहाँ पे जैसे रोटेट करा सकते हो आप ना, तो रोटेट भी करा सकते हो और इसका फेस भी चेंज कर सकते हो। तो आपको अगर गिराने दिखाना है तो आप इस पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करने के बाद आपको रोटेट पे क्लिक कर देना है। रोटेट पे क्लिक कर दोगे फिर देखो, रोटेट पे जब आप क्लिक कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये देखो उसके बाद आपका कैरेक्टर जो है वो सो गया है। तो गाइस ऐसा ही आप बना सकते हो। फिर अब क्या करना है इसको, फिर डुप्लीकेट फ्रेम करके फिर इसको थोड़ा आगे कर दो। डुप्लीकेट फ्रेम करके फिर थोड़ा से इसको आगे कर दो, इसको सॉरी। अब इसके बाद क्या करना है, इसको करके इसको सेलेक्ट करके पेन वाले ऑप्शन पे जाके इसका एक्शन बदल देते हैं हम लोग इस समय एक्शन रखेंगे वो वाला कहाँ गया, ये वाला गाइस। अब देखिए ये वाला एक्शन देखिए अब ऐसा हो गया। अब यहाँ पर आप फिर से जाइए स्पीच में कोई कर लीजिए। अब यहाँ लिख दीजिए हाँ हाँ हाँ, ठीक। अब यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे हाँ हो गया। अब रही बात कैसे होगा, तो आपको देखिए हाई बोला, फिर आपको यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ हाई बोला, फिर आप इसको ऐसे क्लिक करो, फिर देखो ये देखिए हो गया ना। ऐसे ऐसे आपको बनाना है। अगर आपको कोई पंचे सीन ऐड करने हैं, कोई इफेक्ट अदर इफेक्ट ऐड करना है, तो ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो इस पर क्लिक कर दो, थर्ड नंबर। इस पर क्लिक करने के बाद ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर दो। एड इफेक्ट पे क्लिक करोगे तो फिर यहाँ देखिए कई सारे आ गए हैं ऑप्शंस, कई सारे आ गए हैं। यहाँ देखिए पॉ बूम ये सब आ गए हैं, तो मैं बूम लगा देता हूँ। और इसको आप रिसाइज भी कर सकते हो, मैंने बताया कैसे करना है। और देखिए यहाँ ऐसे रिसाइज भी हो सकता है, देखिए कैरेक्टर को बड़ा छोटा। तो गाइस ऐसे ही आप बना सकते हो। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आपको क्या करना है कि आप इसमें कई सारे कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हो। और ये मैं ऐसे स्टोरी टाइप का बनाया हूँ, जैसे ऐड मूविंग बैकग्राउंड पे आप क्लिक करोगे तो देखो कितने खतरनाक वाले आ गए सब बैकग्राउंड्स। अब देखो जैसे मैंने ये ले लिया तो देखो ये वाला बैकग्राउंड आ गया। आपको यहाँ से न्यू फ्रेम और डुप्लीकेट फ्रेम आप ले सकते हो। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।